क्रिसमस पर्व के आते ही राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच एक बार फिर सक्रिय हो गया है। संस्कृति बचाओ मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भोपाल के सेकेंड स्टॉप स्थित सेंट मैरी स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रबंधन से चर्चा की और प्रिंसिपल को चेतावनी दी कि बच्चों को जबरन सांता क्लॉज न बनाएं। संस्कृति बचाओ मंच के पदाधिकारी चंद्रशेखर तिवारी ने यह भी कहा कि स्कूल यदि जबरन बच्चों को सांता क्लॉज बनाते हैं और इसकी जानकारी मिलती है तो हम प्रशासन से शिकायत करेंगे। वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने क्रिसमस के मौके पर 10 दिन की छुट्टी देने और दिवाली पर सिर्फ 2 दिन की छुट्टी देने का भी विरोध किया। आज संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता सेंट मेरी स्कूल सेकंड स्टॉप पर जाकर इनके प्रिंसिपल से हमने बात करी और इन्हें समझाया है कि आप जबरदस्ती ये फरमान जारी ना करें कि हमारे बच्चे सांता क्लॉज बन के आए, क्योंकि यहाँ पर आपके यहाँ 90% बच्चे हिंदू समाज के और सनातन धर्मी पढ़ते हैं। साथ ही हमने ये भी कहा है कि आप जब 2 तारीख तक यहाँ पर छुट्टी लगा रहे हैं, 22 तारीख से 2 तारीख तक, दीपावली पर आप 2 दिन की छुट्टी देते हैं और अपने क्रिसमस पर 10-10 दिन की छुट्टी देते हैं, ये भेदभाव नहीं चलेगा। बच्चों को कलावा बांध के नहीं आने देते, बच्चों को आप तिलक लगा के नहीं आने देते। सनातन धर्मियों के साथ अब ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म का जो अपमान करेगा उसे संस्कृति बचाओ मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमने ये अल्टीमेटम दे दिया है, नहीं तो इसकी शिकायत हम ऊपर तक अधिकारियों तक करेंगे और इस प्रकार का जो भेदभावपूर्ण रवैया है उसे बंद करने का निवेदन करेंगे। बता दें, हर साल क्रिसमस के मौके पर कई मिशनरी और निजी स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और बच्चों को फैंसी ड्रेस में बुलाया जाता है। संस्कृति बचाओ मंच निजी स्कूलों के ऐसे कार्यक्रमों पर पहले भी आपत्ति दर्ज कर चुका है।